सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, फ्री फायर इंडिया फाइनली प्ले स्टोर पे आ गया। वैसे अभी डाउनलोड तो नहीं कर पाओगे, बट हाँ जाके प्ले रजिस्टर कर लेना और ये 5 तारीख को डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, फ्री रजिस्टर करने से फायदे ये है कि तुम्हें कुछ अच्छे वाले रिवॉर्ड देखने को मिल जाएंगे 5 तारीख को गेम डाउनलोड करेंगे तो। बट सबके मन में एक सवाल सबसे पड़ी जी, गाइस क्या ये वही फ्री फायर है जो कि हम पहले प्ले करते थे सालों पहले? नॉर्मल फ्री फायर, उसी का नेम चेंज करके फ्री फायर इंडिया कर दिया गया। तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन उसमें गाइस ये वाले चेंजेस देखने को नहीं मिलते थे जो कि इस बार में फ्री फायर इंडिया का देखने को मिलने वाला है। मतलब गेम तो वही है, फ्री फायर इंडिया बना दिया गया, सारा कुछ के अंदर वही देखने को मिलेगा, लेकिन रूल्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कर दिए गए। क्या क्या है वो देखो, एंड क्या क्या चीजें नए आने वाला है इस बार वो भी देख लो। अब सबसे पहली चीज आने वाली थी वो एज डिटेक्शन, जो कि बहुत टाइम से बात चली रहा था और ये आना था फ्री फायर इंडिया के अंदर। बट अभी तुमने गेम को आज या कल खेला होगा तो शायद तुमने अपडेट देखने को मिला होगा 22 मेगा, जिसके बाद तुमको एज वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल चुका होगा। अगर तुम 18+ हो तो 18+ में वेरीफाई करना है और 18 से कम हो तो नीचे का वेरीफाई करना है। अगर 18 से कम पे क्लिक करोगे तुम्हें एक फोन नंबर देना पड़ेगा, उसे ओटीपी डाल के वेरीफाई करना पड़ेगा और 18+ पे क्लिक कर तो सीधा ही वो कंफर्म हो जाता है। लेकिन एक सवाल, अगर मेरा एज 80 से कम था और हमने 80+ कर दिया तो क्या होगा? बात तो सही है, कुछ भी नहीं। हाँ रियली कुछ भी नहीं, अगर तुमने 80+ किया तो भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेन डिपेंड करता है तुम्हारा फेसबुक अकाउंट किस एज से बना हुआ है। अगर तुमने फेसबुक अकाउंट अपने खुद का अकाउंट से बनाया होगा तो जाहिर सी बात है तुमने अपना रियल एज उसके अंदर डाला होगा तो शायद दिक्कत हो सकती है। और अगर तुम अपने पेरेंट्स के अकाउंट में खेलते हो, मतलब जो फेसबुक अकाउंट था वो अपने पेरेंट्स का है, उसमें तुमने गेम को क्रिएट कर लिया था तो शायद कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं, क्योंकि 80+ तो आ ही जाता है। लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं होता, अभी तो और भी है भाई, वो देख लो। बट उसे देखने से पहले थोड़ा सा जो बैकग्राउंड का गेम प्ले है ना उससे भी नोटिस करना, क्योंकि ये वही गेम प्ले है जो कि तुम फ्री फायर इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। देखो यार मैप तो सब सेम ही रहेंगे वैसे के वैसे, लेकिन अब तुम्हें पता होगा अपने इंडिया का गेम आ रहा है तो जाहिर सी बात है बंडल भी तो इंडियंस वाले होंगे ना थोड़े अजीब से, तो वो सारे बंडल तुमको देखने को मिलेंगे गेम पे जब ये आ जाएगा उसके बाद। बट ये तुम जो भी बंडल्स वगैरह देखोगे ना गेम प्ले बैकग्राउंड पे ये शायद वही वाले, तो उसे भी देख लेना, मैं उसे बताने वाला नहीं हूं, बट उसे तुम देख लेना। हाँ अब बात करते हैं कि तुम अगर 80+ किया उसके फायदे क्या है और कम करने के फायदे क्या है। तो भाई फायदे तो कुछ भी नहीं, भर के घाटे, तो इसमें दोनों को दोनों लिमिट लगने वाले। तुम 18 से कम सिलेक्ट किए हो तो भाई दिन के तुम बस 3 घंटे गेम प्ले कर पाओगे, और अगर तुमने 18+ किया है तो तुम दिन के 6 घंटे गेम प्ले कर सकते हो। और ये टाइम शुरू होता है सुबह के 5 बजे से लेके अगले दिन के 5 बजे तक, मतलब सुबह से 5 बजे के बाद 5 बजे से फिर से, उस बीच में तुम कभी भी 6 घंटे गेम प्ले कर सकते हो। और ये है फ्री फायर इंडिया का गेम का लॉगिन इंटरफेस, जहां पे एमएस होने के साथ इस बार कॉलिब्रेशन हुआ है तो काफी सारे उसके बाद रिवॉर्ड भी देखने को मिलेंगे, जो कि तुम्हें आगे मैं दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाला है। लेकिन यार तुम्हें पता होगा हम क्या करते हैं गाइस, हर चीज का बाईपास तो हमारे पास होता ही है ना। डोंट वरी यार, सभी लोगों को टेंशन बिल्कुल ही मत, मैं तुम्हें ना सारा सॉल्यूशन बता दूंगा कि ये सब कैसे क्लीन करना है, ठीक है? तो टेंशन बिल्कुल ही मत लेना। और एक चीज देख लो, दूसरे नंबर पे टेक अ ब्रेक लगने वाला है। मतलब जब भी तुम गेम प्ले करोगे ना तो 1 या 2 घंटे खेलोगे ना, उसके बाद तुमको ब्रेक लेना पड़ेगा 15 मिनट या 10 मिनट का। उसके बाद बार बार तुम्हें अलर्ट मैसेज आएंगे कि भाई गेम ज्यादा ही तुमने खेल लिया है, तो थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम गेम प्ले कर। मतलब जो तुम्हें 3 या 6 घंटे का टाइम मिल रहा है ना उसमें भी तुम कंटिन्यू पूरे टोटल टाइम तक गेम प्ले नहीं कर सकते। तीसरा एक और चीज मिलेगा कि यार तुम्हें हर बार गेम प्ले करोगे ना, गेम खेल के वापस आओगे या फिर गेम को स्टार्ट करोगे, वो तो शायद तुम्हें अभी भी देखने को मिल रहा होगा वर्चुअल रियलिटी का ये वाला ऑप्शन, ये तुम्हें शायद से अभी भी देखने को मिल रहा होगा जब भी गेम स्टार्ट करोगे लॉबी में, ऐसा वैसा सब कुछ। मतलब ये तुम्हें बार बार गेम समझा रहा है ये गेम एक वर्चुअल रियलिटी में बना हुआ है, इसके अंदर तुम मरते हो किल हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुम दोबारा रिवाइव हो जाओगे और बिल्कुल भी टेंशन वाली बात है नहीं, ऐसा वैसा। मतलब तुमको बहुत बार समझाएगा बार बार की वर्चुअल रियलिटी गेम है, इसे दिल पे मत लेना। बट कुछ प्लेयर थे कुछ ज्यादा सीरियस ले लेते थे, इसकी वजह से गेम पे ऐसी जैसी मतलब समझ रहे क्या क्या होते थे, इसलिए भाई गेम में बार बार बता रहे सारे रूल्स को फॉलो करो तभी हम इंडिया पे कम बैक कर पाएंगे। नेक्स्ट एक और है स्पेंडिंग लिमिट का, इसमें लिमिट सेट कर दिया इस बार की अगर तुम गेम पे टॉपअप करते हो ना तो इस बार ज्यादा टॉपअप कर नहीं पाओगे। वैसे जो लोग नहीं करते उसके लिए तो भाई कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन हाँ कुछ ज्यादा ही फर्क कर देते ना तो उसके लिए लिमिट है कि तुम 1 दिन में 6,000 डायमंड का टॉपअप कर पाते, उसके अलावा नहीं कर पाओगे। वैसे 6,000 तो काफी ज्यादा है यार, मतलब भाई 1 दिन का 6,000 डायमंड यार रखना ही था, 500 रखते थे, 6,000 बहुत ज्यादा होते हैं। और जिसे टॉपअप करना होगा तो भाई इसे क्या ही कर सकते हैं, 6,000 आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, एक बार जब इवेंट आएगा तो सारे निकाल लेंगे, तो जिसके पास पैसा है उसे हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ जो लोग नहीं करते तो भाई मत ही करना, कोई फायदा वादा है नहीं, टॉपअप करना कुछ रखा है नहीं।
बात तो सही है। तो ठीक है हाँ, लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही काम की चीज मुझे लगी ये वाला। अच्छा देखो हमें क्या होता है ना, कभी कभी गेम प्ले करते हैं स्क्वाड के साथ, मेरे इंडिया प्लेयर रहते हैं ना, तो अगर वो लोग किसी तरह से मर जाते हैं तो तुम अकेले बचे हुए ना, तो भाई वो गाली वाले देने लगते हैं कि भाई जाके रिवाइव कर ऐसा वैसा, मतलब रिवाइव करने के लिए वो तुम्हें गाली वाले देने लगते हैं ना भाई। ऐसा बहुत तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, बट अब शायद ऐसा नहीं कर पाओ, क्योंकि अब अगर तुमने गाली वाले दिया ना और अगर तुमने रिपोर्ट कर दिया उस प्लेयर को, तो वो जो रिपोर्ट का एक्शन है ना बहुत जल्दी इस पर लिया जाएगा, और जो वो एक्शन है ना वो दो तीन तरह से लेने वाले हैं भाई, एक रियल लाइफ में और एक गेम की लाइफ में। अब गेम की लाइफ में और रियल लाइफ में क्या होगा देखो, अगर रियल लाइफ में बात करें तो भाई तुम जब गाली वाले दोगे या रिपोर्ट करेगा तो तुम्हारा जो हॉनर स्कोर है ना वो माइनस हो जाएगा अपने आप ही, मतलब एक्शन लेते ही मतलब रिपोर्ट किया ना उसके बाद जो हॉनर स्कोर है वो माइनस हो जाएगा, तुम रैंक और सीएस रैंक वगैरह खेल नहीं पाओगे कुछ दिन तक या फिर कुछ टाइम तक। दूसरा चीज है कि तुम्हारे आईडी में बहुत सारे बार बार इस तरह से मतलब रिपोर्ट वगैरह पढ़ रहे, तुम गाली को ज्यादा ही दे रहे हो, तो हो सके तुम्हारे आईडी के साथ भी कुछ रिएक्ट मतलब अच्छी वाली तगड़ी एक्शन लिया जाए, बैन वैन हो सकता है, तो समझ रहे हो कुछ भी हो सकता है। अब बात करें रियल लाइफ में तुम्हारे साथ एक्शन कैसे होगा, तो भाई पता होगा तुमने अपने फोन नंबर का वेरीफाई भी किया था ना गेम पे, उस फोन नंबर पर तुम्हारे पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन सारा कुछ आने वाला है कि तुम्हारा बच्चा क्या क्या कर रहा है, तो देख लेना उड़ता उड़ता कहीं घर में चप्पल चलने लगे तुम पे रियल लाइफ के अंदर ही। वैसे देखा जाए तो फ्री फायर इंडिया आते भाई रूल्स की तो फाड़ लेगा है, मतलब बहुत सारे रूल्स आए इस बार, तो सबको फॉलो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार फ्री फायर इंडिया में इसी रूल की वजह से वो वापस आ रहा है, तो फॉलो तो करना पड़ेगा। लेकिन यार वो भाई जो 6 घंटे टाइम लिमिट है ना उसे थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि यार तुम गेम खेलो ना खेलो अगर तुमने गेम को ओपन कर लिया ऑनलाइन हो चुकी और गेम को काट के रख दिए ना, तो भी यार तुम्हारा टाइम काउंट होगा और 6 घंटे बाद वो सीधा लॉग आउट हो जाएगा, उसके बाद तुम गेम प्ले ही नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें दिक्कत तो हमें होने वाला है भाई, हम तो गेम प्ले क्रिएट मतलब गेम का क्रिएट करते हैं तो टाइम थोड़ा लगता है ना, सच यार हम सभी क्रिएटर को थोड़ी दिक्कत तो होने वाली है, क्योंकि हम गेम के लिए क्रिएट करते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है ना, तो सच देख लेंगे यार डोंट वरी, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो बाद में निकाल लेंगे। हाँ सबके मन में एक सवाल अभी होगा बहुत तगड़ा वाला, भाई बोलोगे यार हम फ्री फायर डाउनलोड ही नहीं करेंगे भाई, हम तो फ्री फायर मैक्स को ही प्ले करेंगे। भाई देखो यार करीने वाले इतने थोड़े पूर्वक नहीं है, वैसे यार वो लोग भी जैसे फ्री फायर इंडिया आ जाता है उसे डाउनलोड करें तुम प्ले वाला करने लगते हो, तो जो फ्री फायर मैक्स है ना वो तो भाई प्ले स्टोर पर रहने ही नहीं वाला, तो खेलोगे क्या, तुम्हें तो फ्री फायर इंडिया ही खेलना पड़ेगा इंडिया रहने के बाद में, तो होशियारी वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। चलो ठीक है तुमको सारा कुछ देख लिया, अब दिखाता हूँ कुछ रिवॉर्ड वगैरह, तो गाइस ये देख लो ये काफी सारे रिवॉर्ड है जो कि तुम्हें धोनी सर के आने के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार गेम का जो कॉलम हुआ धोनी के साथ में हुआ, मतलब धोनी को भाई ब्रांड एम्बेसडर इन लोगों ने बना दिया है, तो उसके लिए काफी सारे बंडल वगैरह, बंडल क्या बोलूं, रिमोट वगैरह, बैट वेट गन, बहुत सारी चीजें जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, सारा कुछ देखने को मिलने वाला है इवेंट के दौरान, जब 5 तारीख को डाउनलोड करेंगे उसके बाद तुमको देखने को मिलेगा। और ये आईडी जो तुम फ्री फायर मैच के अंदर खेल रहे हो यही आईडी तुम सेम उस वाली आईडी में भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक डाउट यहाँ पर सभी लोगों में और भी होगा कि क्या यार फ्री फायर जब इंडिया आएगा तो इंडिया का कोई अपना मैप भी आएगा, तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, बात तो चल रही थी भाई इंडिया का मैप आने वाला, बट देखो यार इंडिया का मैप लाना इतना ज्यादा इजी है नहीं, क्योंकि इंडिया का नक्शे के साथ इंडिया का मैप लाना अगर नक्शे में थोड़ी बहुत इधर उधर गलती होगी नगरी वालों से तो भाई ऐसे की तैसे लग जाएगी, मतलब जो बैन फ्री फायर इंडिया वापस आ रहा है वो फिर से चला जाएगा, तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाला, क्योंकि इंडिया का जो पूरे बॉर्डर का मैप होता है उसे काफी सोच समझ के बनाया जा सकता है। हाँ देखो हो सकता है कि जो मैप हम बरमुंडा वगैरह खेलते हैं ना उस मैप का जो थोड़े बहुत लोकेशन इधर उधर है वहाँ पर कुछ नई चीजें ऐड हो सकती है इंडियन से रिलेटेड, मतलब कोई डिजाइन नया क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है मान सकते हैं, बट पूरा का पूरा इंडिया का मैप इम्पॉसिबल है यार, वो लोग इसलिए नहीं लाने वाले, और गलती से अगर ला भी दिया इन लोगों ने और कुछ इसी उठपटांग कुछ अलग से उल्टा सीधा हो गया ना, तो मजबूरन यार खरीदने वालों पे फिर से लीगल एक्शन लेना पड़ेगा और फिर से हो जाएगा इंडिया फ्री फायर टाटा बाय बाय, तो इतना रिस्क नहीं लेने का मैं बता देता हूँ। बाकी जितने भी रूल्स देखे है ना इसे देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है भाई, टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई है ना यार सारा चीज का जुगाड़ दे देगा, हर चीज का एक ट्रिक एंड ट्रिक तो तुम्हें पता होगा ना क्या चीज होती है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सारा सोल्यूशन मिल जाएगा जब ये गेम आ जाएगा ना, तो देख लेंगे यार डोंट वरी क्या टेंशन लेते हो। हाँ लेकिन इसके लिए सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा भाई, तभी तो मतलब पता कैसे चलेगा तुम्हें, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और चलो 5 तारीख का वेट करते हैं गेम आता है तो कैसा है देखते हैं। इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।